आदमी बैठा के इस बार पावर ग्रिड अच्छा, मतलब अभी भी आपको भरोसा नहीं है? नहीं, मतलब आपको भरोसा ही नहीं है जी? नहीं नहीं, जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। चलो स्टार्ट करो रे बाबू, चार आदमी को बैठा के दिखा रहा हूँ विद्युत जी, जी अगर मशीन बैठ गया, अगर रोटावेटर उसका नहीं घुमा, अगर मशीन बंद हो गया तो यहीं पर इसको छोड़ के चले जाएंगे या फिर आग लगा देंगे। साथियों जो बच्चा है किधर कितना मस्त तरीके से बैठ गया है, जैसे बोरिंग बोरिंग खोद गया, जैसे जी 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 कुआं खोद दिया जी। डायरेक्ट जहां पर खरपतवार अब दिख रहा है यहां पर जी जी। इस मिट्टी को फाड़ के दिखाने वाले हैं, अगर जी नहीं फाड़ा मशीन यहीं पर दफना के चल जाएंगे भाई साहब जी। नहीं तो मैं पूरा सूखा हुआ मिट्टी को फाड़ते हुए लेके जा रहा है। त्योहार किसान भाइयों, मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल कुर्मी किसान में। तो किसान भाइयों, जैसा की आप देख सकते हो यहाँ पे भेड़ का जो बच्चा है मेरे हाथ में है, और यहाँ पर अगर आप मेरे चारों ओर का नज़ारा देखोगे तो आपको चारों ओर हरियाली हरियाली दिखेगा, ठीक है? और इसी हरियाली में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ किसान साथियों, रुको रुको मैं दे रहा हूँ लियो तो देख सकते हो, दे दिया, अब हल्ला कर रहा था, अभी हल्ला बंद हो जाएगा। तो किसान भाइयों देख सकते हो गोविंद भाई यहाँ पर खड़े मैदान पर अपना जो नया पावर वीडर है उनको लेकर यहाँ पर आ चुका है। तो गोविंद भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है विद्युत जी, धन्यवाद जी। और जी। आप इतना किसानों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, हम तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहूंगा जी। काफी ज्यादा आपका वीडियो भी चलने लगा चैनल पे, तो आप मेहनत करते रहो इसी तरह से, किसान को नया नया जानकारी देते रहो। तो जैसे विद्युत जी हमारे पास आए हैं काफी दूर से, और जैसे कि रोज आपका विद्युत जी पावर बिडर के बारे में नया नया जानकारी देता रहा आप लोगों को, तो आज मैं इसके चैनल के माध्यम से जी दो मशीन दिखा रहा हूं, जो कि एक डीजल में है और एक पेट्रोल में है। प्राइस का पूरा धमाका करेंगे इस वीडियो में जी जी जी। और दूसरी बात है ये कामा इंजन में मैं दिखा रहा हूं, कामा इंजन में किस प्रकार से आप लोगों का अभी जुताई हो पाएगा। जैसे कि आप लोगों का डिमांड हुआ करता था कि गोविंद भाई क्या कामा इंजन में सब्जी के खेत में बोलो या फिर बागवानी बोलो या फिर कादो में बोलो या फिर मतलब मल्टीपर्पज, 8 HP का आज मशीन लेकर के आए हैं भाई साहब, और इसी मशीन में फुल डेमो आज करने वाले हैं जी जी। मतलब इसका आज मुझे पूरा दिखाएंगे ना? पूरा पूरा दिखाएंगे। और ये 8 HP का मशीन है किसान साथियों को, इससे पहले 7 HP का मैंने मशीन दिखाया था जी जी जी। लेकिन 8 HP का मशीन आज मैं दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं पहले ही कह चुका हूं आपको कि काफी सारा वैरायटी में हमारे पास काम हो रहा, हमको उतना टाइम नहीं मिल रहा कि किसान भाइयों को कौन सा मशीन दिखाऊं या जी कौन जी सा जी ना दिखाऊं, लेकिन किसान का डिमांड हुआ करता है तो उस हिसाब से फिर भी टाइम निकाल के किसानों को जानकारी देना बहुत ही जरूरी होता है विद्युत जी। तो ये जो आप कमा कमा कर रहे हैं जी जी, तो कमा आज दिखाएंगे ना कैसा क्या करता है, कमाल करता है क्या? कमा का कमाल आज दिखाएंगे भैया, ठीक है? ठीक है ठीक है, आप भी देखे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं क्लियर बताइए। तो गोविंद जी आप मेरे वीडियो में बोले हैं कमा का इंजन, कमा का इंजन, ये कमा का इंजन वाकई कमाल करता है कि ये लोड देने से ज्यादा थोड़ा ये कर देंगे तो बैठ जाएगा क्या इंजन? कसम है गंगा मैया की, अगर ये बंद हो गया तो खड़ा खड़ा आप चढ़ जाओ चार आदमी, अगर बंद हो गया तो ये मशीन यहीं पर जला भी देंगे और यहां से लेकर नहीं जाएंगे हम जी जी जी। जैसा आपने कहा मैं डेमो देखूंगा। किसान भाइयों वीडियो पे आप लोग बने रहिए, ये गोविंद भाई को इसका मैं डेमो करके दिखाने वाला हूं, ठीक है? तो उसके बाद मैं आपको आगे का सीन दिखाऊंगा कि बाकी ये चलता है कि डूब जाता है। जैसा भाई साहब चार आदमी बैठा देंगे इसमें, चार आदमी, अगर मशीन रुका जी बंद हुआ जी ठीक है तो मैं मशीन यहीं पर छोड़ करके चले जाऊंगा, आप जिसको मर्जी आप दे देना बेच देना जाओ। ठीक है चलिए वीडियो में किसान साथियों बने रहिए, लाइव लाइव रहना किसान साथियों। इसका आज कामा का 8 HP का दम दिखाने वाला हूं, ठीक है? कामा का जैसा आज गोविंद भाई दम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो पे आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और अपने छोटे भाई की खातिर इस वाला वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। किसान भाइयों आप सभी के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अरे गोविंद भाई पावर वीडर को ये क्या कर दिया, आप टेढ़ा कर दिए हैं क्या, क्या बात है? अरे भाई साहब अभी रोटावेटर लगा रहे हैं जी 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 जी, और ये रोटावेटर लगा के अभी इसमें दम दिखाएंगे जी जी जी, आखिर कितना लोड पाएगा। और इसका शाफ्ट देखो ये छोटा वाला शाफ्ट लगा दिया, ये देख लो जी जी, ठीक जी है? इसका खूबी यही है जी। और ओरिजिनल कामा इंजन, आपको ओरिजिनल कामा इंजन का पहचान में भी दिखाऊंगा विद्युत जी, जी जी। पहले इसका डेमो करते हैं, डेमो से ही पता चल जाएगा किसान भाई को आखिर ओरिजिनल कामा इंजन का दम क्या होता है जी 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 जी। लगाइए रोटावेटर लगाइए और देखते हैं कामा का कमाल। गोविंद भाई हाँ, रोटावेटर तो आपने इस पावर वीडर में लगा दिया जी, ठीक है? स्टार्टिंग सिस्टम के क्या क्या दिया है इसमें? अभी देखिए अगर किसान भाई चाहेगा तो सेल्फ से स्टार्ट कर सकता है जी, अगर किसान भाई चाहेगा रस्सी खींच के मतलब रिकॉइल से भी स्टार्ट कर सकता है जी जी जी। तो जैसे कि अभी मैंने सेल्फ का
मतलब नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको मैनुअल में स्टार्ट करके दिखा रहा है। सेम में तो स्टार्ट होगा ही होगा, ठीक है। चलो रे बाबू खींचो, एक बार से रस्सी खींचने स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? एक ही बार में हो जाएगा भाई साहब, एक ही बार में हो जाएगा, होगा ना? कंफर्म ना? हाँ, वो मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, इधर पकड़ो आओ बाबू। देखिए स्टार्ट करने का इसका जो सिस्टम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, किसान भाइयों को इसमें कैसे स्टार्ट करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कामा इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं पहले जी, तो आपको करना क्या है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, डीजल डाल दिया, ये लीवर जो है ये लीवर को इस तरह से डाउन करना है जी जी जी, और इसको पकड़ के आपको 10 बार इतना लंबा लंबा, ये देखो इतना थोड़ा नहीं करना है जी जी, पूरा लंबा लंबा यहाँ तक खींचना है, यहाँ तक जहाँ तक हाथ जा रहा है। कारण क्या है इसके खींचने का? ये जो नोजल है जी, ठीक है, ये डीजल इंजन है, थोड़ा सा टाइम लगता है फास्ट बार जी जी तेल जाने के लिए जी, जैसे नजल में तेल इसका चढ़ जाएगा जी जी, उसके बाद एक ही बार में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 10 बार मार दिया, मैं तो स्टार्ट इसको पहले कर चुका हूँ, मैंने किसान भाई को सिर्फ बता रहा हूँ जी जी जी। उसके बाद लीवर ऐसे रहेगा जी, ये इसको खींचना है जी इस प्रकार से, जैसे मैंने खींचा यहाँ पर लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक जी जी जी। लॉक होने के बाद ये इसको जो ऊपर का जो लीवर है इसको इस तरह से डाउन कर देना है जी। डाउन करने के बाद एक पैर यहाँ रखना है जी, ठीक है, रख के जी खाना उना खा के जी 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 जी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें डीजल इंजन है ना भैया, ताकत लगेगा। उसके बाद तो जैसा किसान साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, गोमित भाई किस तरह से इस वाले पावर वीडर को यहाँ पे जमीन को फाड़ता हुआ जा रहा है। कामा का इंजन है किसान साथियों, कामा का इंजन है, कामा के इंजन का साथियों आप पावर देखिए। और यहाँ पर पीछे में अगर आप मिट्टी को आपको मैं दिखाऊं तो देखिए किसान साथियों मिट्टी को किस तरह से यहाँ पर चूरा चूरा कर दिया है। देखिए ये एक बार इस जमीन पे यहाँ पे जोता गया है और यहाँ पर आप देखिए मिट्टी का हाल, कामा का कमाल देखिए किसान साथियों। जैसा किसान साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो हैंडल है पूरा फुल्ली एडजस्टेबल आपको यहाँ पे हैंडल देखने को मिलता है, मतलब किसान भाई इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से गोविंद भाई अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करवा रहे हैं, सेम टू सेम आप भी ये जो हैंडल है इसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए किसान साथियों कामा का कमाल, वाकई किसान भाइयों देखिए जलवा देखिए यहाँ पे कामा इंजन का, और पूरा डीजल इंजन का पावर देखिए साथियों, पावर देखिए डीजल इंजन का कितना बेहतरीन तरीके से ये जमीन को पूरा फाड़ता हुआ जा रहा है। देखिए फुली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं गोविंद भाई यहाँ पर। देखिए इस जमीन पर एक बार भी यहाँ पे जोता नहीं गया है और फर्स्ट टाइम यहाँ पर गोविंद भाई खेत में जोत के दिखा रहे हैं इस वाले पावर वीडर से कमा के इंजन के। तो देखिए किसान भाइयों लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर डीजल इंजन का कमाल देखिए किसान साथियों। गोविंद भाई, हाँ जी भैया जी जी, आपने तो पावर वीडर को चला के दिखा दिया मेरे को। हाँ, देख रहा हूँ कि पूरा सूखा मतलब इस जमीन पे देखिए किसान भाई। एक्चुअली क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बोलिए। ये जो प्लॉट है आप इधर थोड़ा सा फोकस करो उस साइड, ठीक है जी 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 जी। दूर दूर तक इसका जूता ही नहीं देखोगे। एक्चुअली क्या है ना, अभी बरसात का सीजन है भाई साहब, उधर तो देखिए खेती चल रहा है, मतलब धान का रुपाई चल रहा है जी 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 जी। तो उस साइड तो हम चला के नहीं दिखा सकते हैं, तो मतलब जहाँ पर जोता नहीं गया है वहीं पर ही जोत के दिखा रहे हैं किसान साथियों को। जी जी जी, फर्स्ट बार में ही पानी गिरा है, चलो ठीक है, लेकिन देखिए इतना खरपतवार है, ठीक है, इतना खरपतवार में हम फर्स्ट बार चला रहे हैं, मशीन तो चल रहा है, एक ही बार में निराई गुड़ाई कर दे रहा है, ठीक है, मतलब जितना खरपतवार है पूरा निकाल दे रहा है, ठीक है। तो विद्युत जी आप बताओ कैसा लगा इसका? तो जो जोताई सिस्टम मैं देख कर पूरा खुश हो गया हूँ। हाँ। जो मिट्टी है पूरा इसको चूरा चूरा कर दिया है, मैं यहाँ पे खुद ही देख रहा हूँ। किसान भाइयों को मैं देखिए, किसान भाइयों यहाँ पर आप देखिए मिट्टी को पूरा चूरा चूरा कर दिया है, और साथ ही में जो खरपतवार है इसको भी देखिए पूरा नाश कर दिया खरपतवारों का जी। तो जैसा आपने कहा था
आदमी बैठा के इस बार पावर ब्रेकर चलाएंगे। अच्छा, मतलब अभी भी आपको भरोसा नहीं है? मतलब आपको भरोसा ही नहीं है? जी नहीं नहीं, जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। चलो स्टार्ट करो रे बाबू, चार आदमी को बैठा के दिखा रहा हूँ विद्युत जी।, जी अगर जी, मशीन बैठ गया, अगर रोटावेटर उसका नहीं घुमा, जी जी, अगर मशीन बंद हो गया जी, तो यहीं पर जी इसको छोड़ के चले जाएंगे या फिर आग लगा देंगे। जी जी, और जी, बताओ। जी, जी, जी देखते हैं। चलो बाबू स्टार्ट करो। जैसा कि किसान भाई हो आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा कुआं खोद दिया जी, पूरा कुआं खोद दिया। जी जी जी, देखिए किसान, मैंने कहा था कुआं खोद दूंगा। जी 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 जी, सच में कुआं खोद दिया आपने, चार जन को बैठा के खुद आप पार कर के ऊपर चढ़ गए जी। दिखाओ दिखाओ, देखिए किसान भाइयों, कुआं तर दिया पूरा। किसान साथियों, जो बच्चा है कि यहाँ पर कितना मस्त तरीके से बैठ गया है, जैसे बोरिंग खोद गया, जैसे जी 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 कुआं खोद दिया जी। ये वाला जो पार ब्लेयर है देख सकते हो, इसी से यहाँ पर गड्ढा किया है और ये बच्चा यहाँ पर कितना बैठ गया है देखिए। तो इसी तरह से साथियों, कमा इंजन का आप दम तो आप लोग देख ही रहे हैं। और गोविंद भाई कुछ और बोलना चाहेंगे क्या? भाई साहब वो किसान ही बताएगा, आखिर चार चार बंदे को बैठा दिया, मतलब हम है 75 किलो। जी जी, इसको गिनती करोगे तो कम से कम 2 आदमी का बराबर है। जी जी जी, अरे भाई साहब मैंने कहा था जी ये बंद नहीं होगा। जी मैं हमेशा कहा हूँ किसानों को, मैंने वादा किया हुआ है जी कि मैं मशीन दूंगा किसानों को, ऐसा ऐसा मशीन दूंगा जी कि सालों साल तक चलेगा भाई साहब। जी जी, बंद नहीं होगा। जी जी जी, इतना ताकत, इतना पावरफुल इंजन कोई डेमो नहीं दिखा सकता है। मशीन क्या, मशीन ही बास्ट हो जाएगा उसका। जी जी जी, कुछ चाइना मशीन रहा तो ओरिजिनल कमा इंजन जी 78। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनवोज मिलेगा इस प्रकार से, ये देख लो। जी 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 जी, कमा इंजन का इनवोज मिलेगा। दूसरा मैं दिखा, ये देखो स्कैनर, इस प्रकार से स्कैनर रहेगा जी, इसको स्कैन करके पता कर सकता है किसान भाई की ओरिजिनल कमा इंजन है कि नहीं। जी जी जी, बॉडी में इस प्रकार से इनवोज मिलेगा। जी जी जी, ये देखो बॉडी में इनवोज है। जी जी जी, है पूरा कमा लिखा हुआ है, कमा लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से इनवोज मिलेगा जी। ये ओरिजिनल कमा इंजन है जी, ठीक है। अभी इसमें हम आपको मिट्टी फाड़ के डिचर में दिखाने वाले हैं, पूरा 1.5 फीट में मिट्टी फाड़ेंगे जी, और पूरा एक हाथ तक घुसाएंगे। अगर ये रुक गया मशीन तो यही गड्ढा में दफना के चल जाएंगे, मशीन को घर नहीं लेके। अरे गजब बात बोलते हैं जी, दफना के चला जाइएगा। बात में ही दम नहीं होता है जी जी, दिखाते हैं जी जी, में कुछ नहीं बोलेंगे जी, लाइव दिखाने वाले हैं भाई साहब। जी जी, दिखाने वाले हैं किसान साथियों। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, गोविंद भाई का डिचर यहां पर आ चुका है। यही है ना जी आपका डीचर? यही डीचर है भाई साहब जी जी, इसी में अभी मिट्टी फाड़ के दिखाने वाले हैं। जी जी, फाड़ेगा ना तो हम आपका फाड़ देंगे। भैया जब चार चार आदमी को चढ़ा लिया, घुसा लिया अंदर, तो ये डीचर क्या है? मैंने तो अभी भी कहा कि अगर डीचर नहीं चला, अगर 1.5 फीट में हम फाड़ेंगे, अगर नहीं फाड़ा मिट्टी तो यहीं पर मशीन को दफना के चल जाएंगे, जो गड्ढा किया है ना मशीन से, यहीं पर दफना देंगे। देखते हैं कैसा फाड़ता, नहीं तो हम आपका फाड़ेंगे। लगाइए लगाइए लगाइए, देख लो भाई साहब, लाइव डेमो, यहाँ पर जादू नहीं हो रहा, यहाँ पर लाइव डेमो किया जा रहा है। जी जी जी, अब गड्ढा देखो कितना घुस गया, ये देखो मेरा घुटना तक घुस गया, ये देख लो। जी 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 साथियों, डीचर लगाने का मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। ये दोनों जो नट बोल्ट है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे आपका ये हिले नहीं, मान लो अगर ये हिलेगा तो डीचर इधर उधर मतलब घसकने का चांस होता है, तो इसको पूरा कस के टाइट करना है। और अभी देखिए लाइव डीचर चलाएंगे और कैसा मिट्टी को, और सुनो मेरा बात, अभी ये जैसे जुता हुआ प्लॉट है, ठीक है, अभी जोत है, यहाँ पर हम डीचर नहीं चलाएंगे, हम डीचर चलाएंगे डायरेक्ट जहाँ पर खरपतवार अब दिख रहा है, यहाँ पर इस मिट्टी को फाड़ के दिखाने वाले हैं। अगर नहीं फाड़ा, मशीन यहीं पर दफना के चल जाएंगे भाई साहब। जी नहीं तो मैं फाड़ने वाला हूँ आपका, देखते हैं कैसा है। अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, मशीन अच्छा दूंगा किसानों को। मैंने कहा था पूरा सूखा हुआ मिट्टी फाड़ेंगे भाई साहब, इधर देखिए पूरा 1.5 फीट में जाएगा, पूरा सूखा हुआ मिट्टी को फाड़ते हुए, पूरा सूखा हुआ मिट्टी को फाड़ते हुए लेके जा रहा है, ये देख लो किस प्रकार से लेकर के जा रहा है। किसान साथियों
ये देखो, और कोई भी चला सकता है इसको, पूरा हार्ड मिट्टी है, पूरा खरपतवार है, यहाँ दिखाओ पूरा, ये देखो हार्ड मिट्टी है, यहाँ पर चल रहा और पूरा किस प्रकार से फाड़ के लेके जा रहा, दिखाओ। जी, पूरा डेढ़ फीट, ठीक है जी, पूरा डेढ़ फीट जो मिट्टी को फैला दिया है जी। और दूसरी बात, गड्ढा की अगर बात करें तो पूरा मान के चलो यहाँ तक घुस जा रहा है जी। और ये डीचर एक्चुअली चलता कब है वो भी मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा जी, बताइए। जैसे जोता हुआ खेत होता है ना जी, उसी में डीचर को चलाया जाता है जी। ये तो मैंने डायरेक्ट सूखा खेत, मतलब जो जोता हुआ खेत नहीं है, पूरा एक बार भी जोता हुआ नहीं। देखिए किसान भाई, यहाँ पे जो जमीन है एक बार भी यहाँ पे जोता नहीं किया है, इस वाले मिट्टी पे इन्होंने चला के दिखाया डीचर, है ना। और किस प्रकार से फाड़ा वो किसान भाई तो वीडियो में देख रहा है, और हमको ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। तो हमारे किसान आए हुए हैं, किस तरह से फाड़ा है जमीन, अच्छे से फाड़ा है कि नहीं फाड़ा है? जी जी फाड़ा है ना गोविंद भाई, गलत नहीं बता रहे हैं ना, सही बात बोल रहे हैं ना, फाड़ा है ना। ठीक है ठीक है। तो जैसा कि आपने किसान के मुंह से सुन लिया कि देखिए किसान भाइयों किस तरह से यहाँ पर जमीन को ये फाड़े हैं गोविंद भाई। हाँ जी भाई साहब। जी जी बोल रहे हैं कि किसानों को कामा कामा करके तो सब कुछ देख दिखा दिया, ठीक है। मैं इसका इंजन का दम भी देख लिया भाई साहब, ये कामा इंजन है और इसमें एक्चुअली ब्लड, कामा इंजन में ब्लड होता है, मैं ब्लड इसका दिखाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हो। जी जी ये देख लो, यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा होगा कुछ जी, यही होता है ब्लड, ये रहना जरूरी है जी। अगर इसमें ब्लड नहीं रहेगा जी, तो वो इंजन का दम नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट बार जी। अगर यहाँ पर ब्लड नहीं होगा जी, तो इंजन में दम नहीं होगा। ये एक्चुअली होता क्या है मैं बता रहा हूँ, ये हमारा फिल्टर जी, जिसको कहते हैं फिल्टर, तो फिल्टर में हम लोगों ने थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल दिए हैं जी। उसमें होता क्या है किसान को मैं बता रहा हूँ, कोई धूल मिट्टी में चला रहा है जी, है ना, तो ये जो होता है सांस, मतलब सांस नाक होता है, तो ये खींचता है जी, इसी से फिल्टर होकर के जाता है। मान लीजिए अगर धूला घुस गया जी, तो यहाँ पर लटक जाएगा जी, इस प्रकार से यहाँ पर लटक जाएगा, कचरा अंदर नहीं जाएगा जी, मतलब जो इंजन सांस लेता है वो फिल्टर सही लेता है, ठीक है, फिल्टर सही लेता है, मतलब प्योर एयर जाएगा, इंजन में कचरा नहीं जाएगा, इंजन का लाइफ बढ़ने वाला है। इसका फ्यूल टैंक कितना का लगा दिया? इसमें फ्यूल टैंक हम लोगों ने 4 लीटर का लगा दिया भाई साहब, बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती होगी जी यार। अरे पेट्रोल नहीं, ये डीजल है जी, लेकिन इसमें डीजल इसमें ज्यादा नहीं लेगा भाई साहब जी, क्योंकि ये जो है 8 HP का मशीन है जी, ठीक है। आप बड़ा बड़ा जनरेटर में देखे होंगे डीजल इंजन में घंटे में 1 लीटर ही लेता है जी, लेकिन जी। ये 8 HP के नाते घंटे में मात्र और मात्र 800 ml पिएगा, 800 ml जी। और किसानों भाइयों को अगर कामा इंजन पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे? जैसे कि आपको दिखाया पहले, इस प्रकार से इनबोज मिलेगा जी, यहाँ पर भी इनबोज मिलेगा कामा का जी, बॉडी में 3-4 जगह इनबोज मिलेगा जी। उसी टाइम आप लोग समझ जाइए कि वो ओरिजिनल कामा इंजन है जी। और साउंड के मामले में तो आपने देखा काफी भयानक इसका डेमो किया जी, 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 चार चार बंदे को बैठाया कहीं नहीं रोका, इसका मतलब आप इसका दम तो जान ही लिए हैं, जितना भी लोड आ जाए इसके ऊपर वो खींच के ही रहेगा जी। गोविंद भाई, हाँ जी भैया, इसका जो कीमत है कितना रखे हैं आप? देखिए किसानों को देखते हुए जी मशीन बहुत बढ़िया है जी, जैसे कि आपने देखा ठीक है जी, मैं देखा, दिखाया किसान भाई को वीडियो के माध्यम से दिखा, ठीक है। तो ये पूरा 73,000 में, 73 में जी रोटावेटर रहेगा जी 3.5 फीट का जी, इसके साथ एक अटैचमेंट फ्री, जितना अटैचमेंट दिख रहा है वहाँ पर जी, किसान भाई अगर लेना चाहेंगे तो एक अटैचमेंट फ्री रहेगा जी। और 73,000 में ये घर तक मैं डिलीवरी करूंगा भाई साहब। और जो कुर्मी किसान यूट्यूब चैनल देख के आपका वीडियो फोन करेगा आपको, उसके लिए कुछ डिस्काउंट नहीं बनाइएगा क्या? अरे भाई साहब आपने ऐसा बता रहा है, मैंने किसानों को प्रॉमिस किया है जी, आप जो बोलोगे हाँ उसी प्राइस में हो जाएगा। आप बताओ कितना मैं दे दूं इसको, आप बता दो भाई साहब। 3,000 एक्स्ट्रा का ही ले रहे हो, वही छोड़ दीजिए, 70 कर दीजिए।
चलिए भाई साहब, आपने जो बोल दिया 70,000 में कोई भी अटैचमेंट एक किसान भाई ले सकता है, जितना वहाँ पर अटैचमेंट दिख रहा है, ठीक है, एक अटैचमेंट फ्री रहेगा, ये मशीन एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा, 70,000 में ये घर तक डिलीवरी हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जैसा आपने देखा इस वाले पावर वीडर के बारे में मैंने हर चीज दिखा दिया आप सभी को, और 70,000 में आप इस वाले पावर वीडर को अपने घर तक मंगा सकते हैं फ्री डिलीवरी के साथ। तो स्क्रीन को जो नंबर दिख रहा है, इन नंबर पे कॉल करके अभी अपना ये वाला जो पावर वीडर आप बुक कर सकते हैं। तब तक के लिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय जवान, जय किसान।